हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बीबीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 12th क्लास के बाद दिया जाता है, जिसके लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज एग्जाम को कंडक्ट कराता है। दिल्ली के अंदर ये आईपी यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट कराता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट कराता है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। बीकॉम के लिए काफ़ी अच्छे कॉलेज दिल्ली के अंदर अवेलेबल है, जिनमें से टॉप कॉलेजेस में आते हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर पे आपका -1 डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका ऑफलाइन कंडक्ट होता है, आपको खुद जाके देना होता है पेपर पेन के थ्रू। 4 सेक्शन में इस एग्जाम को डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला सेक्शन आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, सेकेंड सेक्शन आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, फोर्थ सेक्शन आपका होता है जनरल अवेयरनेस। तो इन चारों सेक्शन में हमें सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं इन चारों सेक्शंस को डिटेल में। फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जिसके अंदर पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्बल फ्रेजेस, इडियम्स एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पंक्चुएशन, द एडवर्ब क्लॉजेस, द कंजक्शन, नरेशन, प्रपोजिशन, चेंज ऑफ वॉइस, टेंसेस, मॉडल्स, द वर्ब, द एडजेक्टिव, द प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, द नाउन, नंबर्स, जेंडर्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। थर्ड सेक्शन इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसके अंदर आता है क्यूब्स एंड डाइस, फिगर सीरीज, एनालॉजीज एंड रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट। उसके बाद सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, स्टेटमेंट एनालिसिस, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशियंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, इनपुट इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, सिलोजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिस्टिंग्विशिंग आर्गुमेंट, ड्राइंग कंक्लूजंस, स्टेटमेंट एंजप्शन। तो 4 सेक्शन है, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फर्स्ट इन इंडिया, कल्चरल एक्टिविटीज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, आवर इंडिया, नेशनल सिंबल्स, द यूनिवर्स, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, प्लानिंग इन इंडिया, जनरल साइंस, स्पेस रिसर्च, इंडियन हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, ये था सिलेबस जो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है आईपी यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा जामिया यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम होता है उसके लिए भी यही सेम सिलेबस होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट आता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? एंट्रेंस एग्जाम तो जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंट्स तभी एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल इतना कुछ ज्यादा नहीं होता, बट हम मोस्टली क्या करते हैं 12th एग्जाम देने के बाद हम अपनी स्टडीज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपने फन मोड पे आ जाते हैं। हमको क्या करना है कि जब अपना 12th का एग्ज़ाम दिया आपने, उसके साथ ही उसके बाद आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 12th लास्ट ऑप्शन नहीं होता। 12th के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे करनी है, 12th इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सो जो आप ग्रेजुएशन अपना चूज़ करने वाले हो, उसके लिए थोड़ा फाइट करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जितने भी सेक्शन हैं लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, आपका लॉजिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोनों आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इन दोनों के आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, अपने लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट उठा के देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से हेल्प लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो स्टडी है और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो स्टडी है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आ जाता है। एग्जाम को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप चारों सेक्शन में देखो सबसे पहले कि आपको डिफिकल्ट कौन सा है, जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा बाद के लिए रखो, जो ईजी है उनको सबसे पहले कवर कर लो, और जो डिफिकल्ट सेक्शन है उसमें से भी ये देखो कि आप इजीली क्या कर सकते हो। उसके बाद आपको ये देखना है कि पूरा ड्यूरेशन एग्जाम का कितना है। जब आप देख लोगे कि ड्यूरेशन आ गया, उसके बाद क्वेश्चंस को डिवाइड कर दो टाइम से, फिर आप देखो कि एवरेज क्वेश्चन पे आप कितना टाइम देना है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट देना है, 2 मिनट देना है, इस हिसाब से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपका फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।